everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dama. Welcome you all. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केंट रिपर्टरी के बारे में और केंट रिपर्टरी का एंजाइटी का आधा जो है सब रूब्रिक्स हम लास्ट वीडियो में फिनिश कर चुके हैं. इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो प्लीज गो एंड चेक द प्लेलिस्ट. देयर यू विल फाइंड दैट वीडियो एंड प्लीज डू वॉच इट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो. आज के बाकी के सब रूब्रिक्स हम एंजाइटी के आज फिनिश कर लेंगे और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज हम इस रूब्रिक को फिनिश करेंगे. और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज एज एप्रिसिएशन हिट द लाइक बटन. कमेंट बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो लास्ट वीडियो में हम लोग एंजाइटी के रूब्रिक में कॉन्टिनेंस तक बात कर चुके हैं और आज हम बात करते हैं आगे के रूब्रिक्स के बारे में. जैसे कि एंजाइटी में नेक्स्ट सब रूब्रिक दिया हुआ है कॉन्वर्सेशन से. अगर किसी को बात करने से कॉन्वर्सेशन करने से ना कोई कुछ पूछ रहा है उसका आंसर करने में दे डोंट हैव एनी एंजाइटी. पर अगर लगातार किसी से बातचीत कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें वो कॉन्वर्सेशन से एंजाइटी होने लगती है. भय चिंता और परेशानी डर ये सब सताने लगता है. नेक्स्ट रूब्रिक कम्स इज बहुत बेसिक रूब्रिक्स है. अब इसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स लेते हैं. जैसे कि बहुत बेसिक रूब्रिक्स है कि खांसी के पहले एंजाइटी होती है और खांसने से एंजाइटी होती है. कफिंग फ्रॉम क्राउड इन भीड़ में जाने से. वैसे वो जाएंगे बाहर जाएंगे कोई एंजाइटी नहीं होगी. दे विल रोम दे विल हैव फन दे विल एंजॉय. बट जैसे वो भीड़ वाली जगह में जाएंगे उन्हें एंजाइटी होने लगती है. एंड दैट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ एकोनाइट. एकोनाइट पे आप ये सिम्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एकोनाइट का कंप्लीट ड्रग पिक्चर मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था सबसे पहले वही आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मटीरिया अमेरिका एकोनाइट का ही ड्रग पिक्चर डाला था. तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए. उसमें कंप्लीट ड्रग पिक्चर एकोनाइट का मैंने मेंशन किया है. नेक्स्ट इज डार्क इन. अंधेरे में किसी को एंजाइटी होती है विच इज वेरी कॉमन. अंधेरे से किसी को एंजाइटी हो रही है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूब्रिक इज ड्रीम्स ऑन वेकिंग फ्रॉम फ्राइटफुल. डरावने सपने या एकदम डर के फ्राइट में डरावने सपने देखकर एकदम डर के उठते हैं और उसके साथ वो एंजाइटी होने लगती है. अब जो ये रूब्रिक यहाँ पर बताया हुआ है इसमें कि फ्राइटफुल ड्रीम से एकदम से उठते हैं और वो एंजाइटी होने लगती है. आपने बहुत बार ये चीज देखी होगी शायद कभी कभी आपको भी होता हो पर बहुत फ्रीक्वेंटली किसी को हो रहा है. हर रोज शायद उसके साथ होता है. दोपहर में सोए तो भी ऐसा होता है रात को सोए तो भी ऐसा होता है. तो फिर ये रूब्रिक आपको कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ड्रीम्स में जाके भी चेक कर सकते हैं. ड्रीम्स में जाएंगे ड्रीम्स स्लीप में जाएंगे ड्रीम्स रूब्रिक देखेंगे और ड्रीम्स में आप देखेंगे फ्राइटफुल ड्रीम्स वो. और अगर इंडिविजुअल को एंजाइटी है तो ये वाला रूब्रिक. तो इस तरह से हमें डिफ्रेंसिएट करना है. नाउ ई में आप जाकर देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है एक्सर्शन ऑफ आईज. अगर आप बहुत ज्यादा देर तक लैपटॉप पर बहुत ज्यादा देर तक कोई पढ़ाई करें आपकी आंखों को आपने अच्छे से थका लिया है उस एक्सर्शन ऑफ आईज के साथ आपको एंजाइटी होती है तो ऐसे इंडिविजुअल ये सिम्टम आपको बहुत रेयर मिलेगा. लेकिन ऐसे इंडिविजुअल दे कीप ऑन जस्ट हैविंग अ नैप या वो क्लोज करेंगे आईज को. वो अपनी आईज को रिलैक्स करते हैं बार बार ताकि वो उनकी आईज ज्यादा एक्सर्ट ना हो. आप बहुत कॉमनली देखेंगे कि इंडिविजुअल को आंखों में दर्द आंखों को एक्सर्ट करने से सर में दर्द या चक्कर आना या नींद ना आना ये सब चीजें बहुत होती हैं. पर एंजाइटी होना आंखें थक जाने से ये एक बहुत रेयर सिम्टम है. इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही ड्रग है सीपिया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कम्स इज एक्सपेक्टिंग ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इन. जब भी व्हेन एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम इसको हम ऐसे पढ़ेंगे. अगर आप किसी से भी अपने बच्चों से अपने फैमिली मेंबर्स से अपनी स्पाउस से कभी भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कभी भी आप कुछ उम्मीद रख रहे हैं एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने की उम्मीद या एक अच्छे जॉब की उम्मीद या एक अच्छे बिहेवियर की उम्मीद तो आप जो भी चीजों की उम्मीद उनसे कर रहे हैं जब भी इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन की जाती है सामने वाले इंडिविजुअल को बहुत एंजाइटी होती है. तो दे ऑलवेज से कि प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी. मुझे बहुत डर मुझे बहुत परेशानी मुझे बहुत चिंता होने लगती है मुझे बहुत घबराहट होती है मुझे चिंता होती है फ्यूचर की मुझे चिंता होती है सब बातों की. तो प्लीज बी वेरी नॉर्मल. ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं. कई बार ये बच्चे ये चीजें बोल देते हैं और ये चीज बहुत कॉमन है आजकल के यूथ में. जो आप चाहे तो एलिसिट कर सकते हैं. बिफोर एग्जाम्स उनके साथ ऐसा होता है बिफोर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उनके साथ ऐसा होता है
तो अक्यूट फेजेस में भी या फिर क्रॉनिक में भी आप इसे दे सकते हैं। और इसके लिए आर्सेनिक एक वंडरफुल मेडिसिन है, आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है इन केसेस में। नेक्स्ट रूब्रिक है फियर के साथ, फियर विद। तो अगर एंजाइटी डर के साथ है जो बहुत नॉर्मली मिल जाती है, अगर कोई स्पेसिफिक डर मिल रहा है तो हम फियर्स रूब्रिक जाकर उसमें हम सब रूब्रिक चेक करेंगे कि कौन सा फियर है। जैसे हमने एंथ्रोपोफोबिया किया था, ऐसे हम से आपको कोई स्पेसिफिक अगर मिल रहा है फियर तो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। बट अगर सिर्फ एक डर है, अननोन डर है, तो आप ये फियर एज अ जनरल रूब्रिक और एंजाइटी विद फियर ये वाला रूब्रिक लेंगे और इसमें आप मैच करेंगे कौन सी डर आती है। नाउ यू विल सी कि फ्यूचर में भी आपको देखिए, हमने जब डेफिनेशन किया था एंजाइटी का कि स्पेशली फ्यूचर को लेकर एंजाइटी होती है, स्पेशली हेल्थ को लेकर एंजाइटी होती है, तो दोनों यहाँ रूब्रिक मिल जाएंगे, फ्यूचर अबाउट एंड हेल्थ अबाउट। तो दोनों रूब्रिक्स में आप देख सकते हैं कि क्या कारण है एंजाइटी का। अब बहुत सारे इंडिविजुअल आपको आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे मिलेंगे जिनको कोई अननोन डिजीज का ही डर होता है, मतलब ऐसा कोई डिजीज जो डायग्नोस नहीं हुआ पर फिर भी वो उसको लेके परेशान होते रहेंगे, बार बार आपको बताएंगे। तो ये चीज होती है, सिचुएशन होती है हाइपोकॉन्ड्रिक कि मतलब कोई डिजीज जो डायग्नोस हुआ ही नहीं है उसको लेकर एक ऑब्सेशन, एक आइडिया का ऑब्सेशन क्रिएट हो जाता है। ये आइडिया दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे यही डिजीज तो नहीं है, मुझे यही डिजीज तो नहीं होने वाली, या तो होने वाली या फिर है, तो दोनों में ही आप हाइपोकॉन्ड्रिकल देखेंगे। अब हम एम पे जाकर देखते हैं और वी आर एक्चुअली हैविंग दिस रूब्रिक की मेंटल एग्जर्शन से एंजाइटी होती है, दिमाग लगाने वाले काम नहीं कर सकते ज्यादा। और इसी तरीके से सेडेंटरी एम्प्लॉयमेंट वाला भी एक रूब्रिक है जहां पर अगर किसी के बैठे रहने वाला काम है तो उसको उससे एंजाइटी होती है, अगर दिमाग चलाने वाला ज्यादा काम है तो एंजाइटी होती है, तो एक सेपरेट रूब्रिक है। बैठे रहने वाला काम है तो एंजाइटी होती है तो एक सेपरेट रूब्रिक है। और अगर मैनुअल लेबर से, हाथों से काम करना ज्यादा, अगर ज्यादा मैनुअल लेबर दे दिया जाए तो उनको एंजाइटी होती है, तो एक अलग रूब्रिक है। सो यू कैन एक्चुअली कैटेगराइज ईच एंड एवरी रूब्रिक और आपको यहाँ हर छोटा छोटा रूब्रिक भी मिल जाएगा। इसके बाद अब डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक पर चलते हैं विच इज बेसिकली पेन्स फ्रॉम द। कई बार दर्द इतना होता है किसी भी चीज का, कोई भी पेन के साथ एंजाइटी आती ही है, तो ये बहुत कॉमन चीज है और आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर एंजाइटी का लेवल अच्छा खासा एक्सट्रीम है तो। तो पेन्स के साथ एंजाइटी है तो यू विल गेट आर्सेनिक, एकोनाइट, कार्बोवेज, कॉस्टिकम एंड नैट्रम का। दीज आर द 5 ड्रग्स विच आर मेंशन इन दिस रूब्रिक। सैल्वेशन की वजह से अगर एंजाइटी हो रही है, नाउ सैल्वेशन का अगर हम टिपिकल मतलब देखते हैं, अगर हम सैल्वेशन का एक टिपिकल मतलब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सैल्वेशन जो है, जब भी हमें कोई ईविल पावर से, कोई बुरी एनर्जी से, कोई नेगेटिव एनर्जी से जब हम सेफ फील करते हैं, एक तरह से मुक्ति, एक तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी एम्बाइब करना, इसको हम सैल्वेशन कहते हैं। तो सैल्वेशन इज बेसिकली बीइंग सेव फ्रॉम अ पावर ऑफ ईविल, से बचाया जाता है जब। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, एंजाइटी अबाउट सैल्वेशन। तो एक एंजाइटी अबाउट हेल्थ है, एंजाइटी अबाउट फ्यूचर है। तो एंजाइटी किसकी एंजाइटी है कि मुझे किसी बुरी पावर से बचाया जाएगा या नहीं, मैं किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में हूं और मुझे वो बुरी शक्ति जो है ठीक नहीं होने दे रही, और बुरी शक्ति की वजह से मैं जो हूं अपनी काम कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बुरी शक्ति से मैं बच भी पाऊंगी। सो दिस इज बेसिकली द एंजाइटी ऑफ अबाउट सैल्वेशन। और इसमें आपको आर्सेनिक, अगेन आर्सेनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस के लिए एज वी ऑल नो एंजाइटी। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है लिलियम टिग्रिनम विच वी नेवर एक्चुअली कंसिडर, पर लिलियम टिग्रिनम का मेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ने जरूर चाहिए। इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन लिलियम टिग्रिनम, आई विल श्योरली मेक इट। अब लास्ट दो इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो कि बेसिकली है सुसाइडल, मतलब अगर एंजाइटी इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा परेशान करी है, इतनी एक्सट्रीम लेवल की है कि सुसाइडल या तो अटेम्प्ट्स या फिर सुसाइड के थॉट्स ये आने लग जाते हैं विद एंजाइटी, दिल की धड़कन सुनाई देगी, बहुत पसीना आएगा और बार बार ये ख्याल आएगा कि दे मस्ट सुसाइड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जो मिल जाएगा आपको।
एक और रूब्रिक है उसके नीचे आप देखेंगे सपर, सपर आफ्टर। सपर इज बेसिकली जब आप बहुत एक लाइट सा मील लेते हैं सोने के कुछ घंटे पहले, या फिर आप डिनर बहुत हल्का सा लेते हैं, बहुत लाइट सा डिनर लेके सोते हैं, उसे हम सपर कहते हैं। तो अगर आपने ऐसा बहुत लाइट सा कुछ खाया, या फिर आपने सिर्फ रात को सोने के पहले थोड़ा सा हल्का सा कुछ खाया और आप फिर सो गए, या आप सोने जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा कुछ भी ऐसे खाते वक्त उस समय पे, उसके बाद आपको एंजाइटी बहुत होने लगती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। नाउ द लास्ट रूब्रिक विच वी विल टेक हियर इज वार्म बेड येट द लिम्स कोल्ड इफ अनकवर्ड। अगर बेड एकदम गर्म है और अनकवर करके सो रहे हैं, इफ अनकवर्ड, तो हाथ पैर बहुत ठंडे रहेंगे पर बाकी शरीर या बाकी जो बेड रहेगा वो इंडिविजुअल का बहुत गर्म रहेगा। दैट मीन्स पूरी बॉडी गर्म है, हाथ पैर ठंडे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंजाइटी रूब्रिक। आई रियली होप कि आपको ये जो इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स है समझ आ गए होंगे। छोटे छोटे बेसिक रूब्रिक्स और हैं जो आप एक बार खुद देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। देयर इज नथिंग मच डिफिकल्ट इन दिस। फिर भी अगर आपको कोई रूब्रिक नहीं समझ आया और आप चाहें कि आपका कोई डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करूंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट टिल येट। प्लीज स्टे ट्यून टू माई चैनल, आई विल पोस्ट लॉट ऑफ वीडियोज एंड अपकमिंग वीडियोज आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम गोना अपलोड वन वीडियो ऑन मायज़म, one video on the BHMS course and much more. So stay tuned, stay connected with Homeopathy. Thank you so much.